एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग जो है वो मैंने मॉर्निंग से शुरू किया है क्योंकि मैं बनाने जा रही थी ब्रेकफास्ट, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ आज ब्लैक चने की रेसिपी। तो यहाँ पे जो है मैं आज ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ काले वाले चने, जो कि मैंने रात में ही सोख करके रख दिए थे, भिगो के रख दिए थे, छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे मेरा सारा काम मॉर्निंग का हो गया आज, काफी जल्दी मैंने काम फटाफट कर लिया है। 9:10 बजा है, 10 बज गया है और मैंने सारा काम जो है वो अपना कर लिया है। तो आज है संडे, ये संडे का ब्लॉग है, थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा ये ब्लॉग क्योंकि जिस दिन मैं एडिट कर रही हूँ काफी दिन, मतलब एक दो दिन हो गया है, नेक्स्ट डे किया है बट मैं पोस्ट नहीं कर पाई किसी रीजन की वजह से, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक चने बनाए थे, उसके साथ ना मैंने दो आलू जो है वो बॉइल कर लिए थे। चने के साथ आलू जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझको पर्सनली। अगर आप चाहें तो वैसे ही चने जो है ना खाली भी बॉईल करके बना सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी और बड़ा ही फटाफट बनने वाला नाश्ता होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है ऑयल गरम करके उसमें हींग, थोड़ा सा जीरा और जो प्याज और हरी मिर्च जो कट करी थी मैंने, वो मैंने इसमें रेड होने के लिए रख दी है। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे बनाने रख दी है चाय, क्योंकि सर्दी है, नाश्ता कर रहे हैं तो चाय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय, उसी के साथ साथ जो है वो मेरा प्याज भुन जाएगा और उसी के साथ मैं एक छोटा सा मीडियम साइज का टमाटर भी है जो वो कट कर लूंगी। टमाटर जो है ना वो हल्का सा लाल हो गया था, मैं बहुत ज्यादा काला नहीं करती हूँ, नहीं तो वो फिर खाते हैं ना तो वो कड़वा कड़वा सा लगता है। तो हाफ फ्राई कर लिया था मैंने प्याज, उसी में मैंने डाल दिया था टमाटर और जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं ना वो मैंने थोड़े थोड़े से डाल दिए थे और उसी के साथ साथ काली मिर्च, अदरक वाली चाय भी बन रही है। तो नमक डाल दिया था उसी के साथ, टमाटर में अगर नमक डाल देते हैं साथ ही में तो वो जो टमाटर होते हैं ना वो जल्दी से गल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से ये डाल दिया है, 1 से 2 मिनट में इस मसाले को भूंजूंगी और उसके बाद जो है मैंने आलू जो बॉईल करे थे ना सबसे पहले मैं वो डाल दूंगी इसमें फोड़ के, ताकि वो अच्छे से ना फ्राई हो जाए। फ्राई करने के बाद जब चने में खाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने आलू लेने हैं और वो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे आलू जब मेरे अच्छे से लाल हो गए थे ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए थे अपने चने और उसमें डाल दिया है नींबू, नींबू से भी काफी अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे मैंने हरी पत्तियां डाल दी हैं और मेरा चना आलू जो है वो बनके रेडी हो चुका है। उसी के साथ साथ मेरी चाय भी जो है वो बॉइल हो चुकी है, कलर अच्छा आया है ना, तो बस मेरी चाय भी बनके रेडी हो गई है और मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो बनके रेडी हो चुका है। चने जो है ना बहुत टेस्टी बने थे, तो आइए और आप लोग भी खा लीजिए। ये वाली क्लिप जो है ना वो एक दिन पहले की थी, तो एकदम से मेरे उसमें थी लैपटॉप में, तो मैंने सोचा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे हस्बैंड जो थे वो गाजर घिस रहे थे, और देखो ऐसे छोटे मोटे काम जो है ना हस्बैंड लोगों को करने चाहिए, अगर वो नहीं करेंगे हमारी हेल्प तो क्या कौन करेगा। तो बस यहाँ पे उनका गाजर का हलवा जो है वो बहुत ज्यादा फेवरेट था, तो बस यहाँ पे मैं जो हूँ ना गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो मैंने ना नॉन स्टिक कढ़ाई में ही खोया बना लिया था, उसी सेम कढ़ाई में मैंने
अच्छे से जो गाजर है ना उसको निचोड़ के, और उसके बाद जो है मैंने इसको हल्की आंच में बिल्कुल बॉयल होने के लिए रख दिया है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत से लोग जो होते हैं वो कुकर में बना लेते हैं, फटाफट से इसको बॉयल कर लेते हैं एक सीटी लगा के, उसके बाद इसमें खोया वगैरह डाल के, तो वो फटाफट बन जाता है। बट ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, बट बिलीव मी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो आपको पता है ये जो मैं अपने हस्बैंड की क्लिप्स निकाल लेती हूँ थोड़ी थोड़ी सी, ये सारे काम जो है ना वो मैं बिल्कुल चुपचाप से करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साए हैं कैमरे के सामने, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस मेरी जबरदस्ती की वजह से, मेरी जिद की वजह से वो थोड़ा बहुत कभी कभार ब्लॉग में आ जाते हैं, कभी कभार जो है मैं ये क्लिप्स जो है वो उनकी मैं चुपचाप से निकाल लेती हूँ। तो जब ये देखेंगे, वैसे तो वो मेरे ब्लॉग्स भी नहीं देखते हैं, मगर जब ये देखेंगे ना तो डेफिनेटली इतना कुछ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ। तो अभी मैं जो गाजर घिस रहे थे ना, वो मैंने ना चुपचाप से क्लिप्स निकाली है। तो ऐसे काम जो है ना, ये वाले काम जो है ना, मैं अपने पति से छुप छुपा के करती हूँ। तो आप में से जो वाइटी में है, कौन कौन ऐसा करता है मेरे साथ, जरूर शेयर करिएगा। तो बस यहाँ पे ना 2 किलो मैंने ये गाजर ली थी, तो ये मैं थोड़ी थोड़ी करके पहले ना पका लूंगी, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी मैं इसमें, क्योंकि मेरे को अपना जो गाजर का हलवा है ना वो टेस्टी बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा पसंद है, मुझको नहीं पसंद है, मेरी मदर इन लॉ को भी नहीं पसंद है इतना, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज्यादा पसंद है गाजर का हलवा। तो मैं जो गाजर का हलवा होता है ना वो बहुत मन से बनाती हूँ। तो यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा सा करके मैं जो है अपनी गाजर को अच्छे से बॉइल कर लूंगी, मतलब पका लूंगी ऐसे ही धीरे धीरे, मुझे कढ़ाई में इसको चलाते रहना है और इसको मैं अच्छे से पका लूंगी। कोशिश करें कि आप भी जब भी गाजर का हलवा बनाए ना तो नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाए, तो इसमें क्या होता है कि ये लगता नहीं है नीचे से। और ये देखिए आप, बिल्कुल मेरी गाजर जो है ना वो बिल्कुल पक के थोड़ी सी रह गई है, और मेरी गाजर जो है वो अच्छे से गल चुकी है, आप देख रहे हैं। धीरे धीरे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, वीडियो में तो इतना लंबा नहीं दिखा सकती मैं, लेकिन हाँ प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बट आप ऐसे करके अगर पकाएंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है, 2 किलो चीनी में आप मान लो 150 ग्राम या फिर 100 ग्राम तक मैंने चीनी डाल दी है, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल सा मीठा रखती हूँ। तो बस चीनी डालने के बाद जो है थोड़ा, और ये गाजर जो है ना वो पानी छोड़ती है, तो बस यहाँ पे मैं इस चीनी को अच्छे से पकने तक का वेट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे लिए हैं थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश, दोनों तरीके की, ब्लैक वाली, लाल वाली, थोड़े से खरबूजे के बीज, इलायची पाउडर, और गरी वाला जो बुरादा होता है ना, या तो फिर गरी जो गोला आता है उसको भी घिस सकते हैं। तो मेरे यहाँ गरी का बुरादा रखा हुआ था, तो वो भी अच्छा टेस्ट देता है। तो वो सारे मैंने ड्राई फ्रूट, जो भी आप खाते हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट्स। बहुत से लोगों को ड्राई फ्रूट्स में बहुत सी चीजें नहीं पसंद होती है, तो मैं मोस्टली यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट जो है वो यूज करे हैं। उसके बाद जो है ना, मैंने 1 किलो दूध का खोया बनाया था, घर में ही खोया बनाया है, मैं बाहर से खोया लाना प्रिफेयर नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले चीनी डालने के बाद जो है वो खोया डाल दिया है, और मैं पहले खोए को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दिखाओ मुझे गाना, गाके दिख सुनाओ। अपने कान बंद करे कितने भी तू कर ले सितम, हस हस के सहेंगे हम सनम सनम। तो
तो बस मैंने खोया डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करे थे वो सारे कुछ मैं एक एक करके इसमें मिक्स कर दूंगी। उसी के साथ साथ इलायची पाउडर भी डाल दूंगी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। 5 से 10 मिनट मैं इसको स्लो फ्लेम में ऐसे ही अभी पकाऊंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से। तो बस यहाँ पे मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अपना खोया वगैरह सारा कुछ मिक्स कर लिया है। तो ऑलमोस्ट मेरा जो है हलवा जो है वो बनके रेडी हो चुका है। और ये वाला प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो इस तरीके की मस्ती जो है ना हम लोग करते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज इसकी रिकॉर्डिंग ना की जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोगों का हम लोगों की मस्ती कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर करना। बोर हो जाते हैं यार किचन में अकेले अकेले इतना लंबा वाला प्रोसेस का काम करते हुए, हलवा बनाते हुए। तो बस थोड़े से सितम कर रहे थे, तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है देसी घी घर का बना हुआ, बहुत ही अच्छी महक आ रही और बहुत ही टेस्टी बना था हलवा। तो बस यहाँ पे मेरा हलवा जो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो एक बार मेरे तरीके से हलवा ना जरूर बना के देखना। और यहाँ पे ये हलवा ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, और यहाँ पे हलवा बनते ही देखिए ये क्या करते हैं। मैंने सीधा भगवान जी को भोग लगाया, उसके बाद हमारे सेकंड भगवान जी है ना, कृष्णा के बाद हमारे सेकंड घर में जो है ना एक ये छोटे, सबसे छोटे बच्चे हैं जो इस तरीके से चुपचाप से जाते हैं किचन में और लेकर आते हैं, और यहाँ पे मम्मी को भी ये टेस्ट करा रहे हैं। तो बस यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, हमारी ये मस्ती अच्छी लगी है।